हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और ऐसे ही अच्छी रहूँगी अगर आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो। सो दिस इज़ आर न्यू फ्रेंड, हेलो। हाँ, सो आज की वीडियो है संडे रूटीन के बारे में, जो कि मेरा हेयर केयर रूटीन और स्किन रूटीन दोनों इसमें है, क्योंकि बेसिकली एक्स्ट्रा चीज़ें हम डेली बेसिस पर नहीं कर पाते हैं और संडे को ही छुट्टी रहती है तो डेली तो कॉलेज जाना होता है, तो इसीलिए मैं संडे को एक्स्ट्रा चीज़ें क्या क्या करती हूँ वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहले हम हेयर ऑयल रेडी कर लेते हैं, तो कंटेनर ले लीजिए, आप कोई भी कटोरी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये थी छोटी सी तो मैं ये ले लीजिए। सो जो भी आप हेयर ऑयल यूज़ करते हो वो यूज़ कर लेना। मैं यूज़ करती हूँ मामा अर्थ का अनियन हेयर ऑयल। सो जितना भी क्वांटिटी में आप यूज़ करते हो उतना ले लेना। लगाने के बाद जैसे ये फोरहेड है तो यहाँ से तीन यहाँ पे मसाज करना, ना भूले चंपी करना। सो चलते हैं फेस वॉश करने। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप हम ये फेशियल रेजर, ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ की थी, बट हाँ इसमें ये है कि ये छोटा वाला आईब्रोज के लिए और ये फेस के लिए। तो एलोवेरा आपके पास जो हो आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं प्लम का करती हूँ पर उसका डब्बा टूट गया तो मैंने वो ये रख लिया है, मतलब O3 का डब्बा टूट गया था तो उसको मैंने प्लम वाले में रख दिया और प्लम वाले को मैंने इसमें रख दिया। तो जो भी एलोवेरा जेल आपके पास अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकते हो। जिस डायरेक्शन में हेयर ग्रोथ हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में है तो इसको ऐसे यूज़ करना, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में मत करना और आराम आराम से करना, प्यार से। थर्ड स्टेप फेस ऑयल लगाएंगे और अच्छे से मसाज करेंगे। वाइप्स ले लें, मतलब ये ड्राई वाइप्स है, वेट वाइप्स मत लेना, ड्राई वाइप्स हो वो यूज़ करना। सो नेक्स्ट स्टेप है अब फेस मास्क। अब हम मास्क लगाएंगे तो मास्क के लिए मैं यूज़ करती हूँ पूरे में मैंने अप्लाई कर लिया है, अब इसको ड्राई होने देते हैं। मैंने फेस वॉश कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप है कटोरी लेंगे, ज़्यादा बर्तन गंदे करने की ज़रूरत नहीं है, उसी कटोरी को धोना, पानी से खंगारना और उसी को ले लेना। सो अब हम करेंगे यूज़ फेस शीट। सो ये मैंने मिलाएंगे ग्लिसरीन, थोड़ा सा ग्लिसरीन मिलाएंगे। कितना सा बचा है बताओ।
इसको अपने 10 मिनट पर रखते हैं, मिलते हैं 10 मिनट बाद। सनस्क्रीन सब बोलते हैं, टू फिंगर्स सनस्क्रीन। अब इतनी कौन लाए, हॉस्टल में रहते भाई, बजट फ्रेंडली चाहिए, तो जितनी फेस के अकॉर्डिंग रिक्वायर हो उतनी यूज़ कर लेना। सनस्क्रीन नेक पे भी लगाना। इसको आप कैसे ड्रॉ करोगे? हेयर वॉश के लिए मैं यूज़ करती हूँ मैड मैटर्स का शैम्पू, एंटी हेयर फॉल शैम्पू, और ये कंडीशनर हो गया। अगर इस पे आपको पूरी वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं उसकी नेक्स्ट पूरी वीडियो बना दूँगी। तो चलते हैं हेयर वॉश करने। मेरे बाल सूख चुके हैं, मतलब पूरे नहीं सुखाना, आधे सुखाना, आधे सूखे आधे के लिए, सेमी ड्राई होने चाहिए। ड्रायर यूज़ नहीं करने का, सनलाइट या फिर नॉर्मल ऐसे टॉवल से सुखा लेना, क्योंकि इससे बाल डैमेज होते हैं। ज़्यादा बाल टूटते हैं तो सोने से पहले मैं ये लिपस्टिक हटा दूँगी और यहाँ क्लिप लगा लूँगी ऐसे चपटे करके। तो ये था मेरा आज का डेली रूटीन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।